जेफ बेजोस जो कि दुनिया के पहले सेंटी बिलियनर है, वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। ये सेंटी बिलियनर क्या होता है? 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, और जिसने 100 करोड़ की भी सेंचुरी मार दी हो उसे कहते हैं सेंटी बिलियनर। और जेफ बेजोस इस वर्ल्ड के पहले सेंटी बिलियनर है। आखिर कोई भी इंसान एक छोटे से गैराज से शुरू करके कैसे इतने आगे तक पहुंच सकता है? कुछ अलग माइंडसेट, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ आइडियाज होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जो कि जेफ बेजोस ने अपने लाइफ में यूज की एक छोटे से गैराज का मालिक होने से दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने तक। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो टाइटल हाउ जेफ बेजोस बिकेम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। अगर आपको इन स्ट्रेटजीज को अपने लाइफ में लाना है सो विदाउट वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो देखो गाइस। सो जेफ बेजोस ने टाइमली जो अपने प्रोडक्ट्स थे उनको बिल्ड किया, उनको बेटर करते गए, काफी सारी कंपनीज को खरीद लिया और कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने लगे। तो पहले देखते हैं कि जेफ बेजोस ने कौन सी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। नंबर 1 गूगल, सेकंड उबर, थर्ड बिजनेस इनसाइडर, फोर्थ ट्विटर, फिफ्थ वर्कडे, सिक्स्थ ग्रेल और सेवेंथ लुक आउट। ये ऐसी कंपनीज हैं जिसपे की जेफ बेजोस ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए। तो अब बात करते हैं उन कंपनीज की जिसमें की अमेज़न ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए। नंबर 1 homegrocer.com, नंबर 2 bankbazaar.com एंड नंबर 3 wine.com। अगर बात की जाए उन कंपनीज की जिसको कि अमेज़न ने खरीद लिया तो उस पे नंबर 1 पे है होल फूड्स मार्केट, सेकंड ट्विच, थर्ड ऑडिबल, फोर्थ zappos.com, फिफ्थ IMDb, सिक्स्थ वॉशिंगटन पोस्ट जो कि एक न्यूज़पेपर है एंड सेवेंथ गुडरीड। अमेज़न इस दुनिया सेकेंड मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई। अमेजोन के पास आज की डेट में amazon.com, amazon prime, amazon games, amazon prime instant video, amazon music, amazon go, amazon kindle, amazon web series, amazon wireless और consumer electronics है। तो जेफ बेजोस का जन्म, जेफ बेजोस का बर्थ बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था, बहुत ज्यादा गरीब। लेकिन जेफ बेजोस स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। काफ़ी कम एज में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, पढ़ाई शुरू कर दी थी और बहुत ही कम एज में वो एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए थे। लेकिन जब इन्होंने रियलाइज़ किया कि आगे जाके इंटरनेट का बूम आने वाला है, .com का बूम आने वाला है, तब इन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया और उस पोजीशन को छोड़ के और छोटे से गैराज में खुद की कंपनी स्टार्ट की जिसका कि नाम दिया इन्होंने अमेज़न। ये नाम इंस्पायर्ड था इस दुनिया की सबसे बड़ी रिवर से जो कि अमेज़न है। एंड इनका ये कहना था कि जैसे ये रिवर इस दुनिया की सबसे बड़ी है वैसे ही हमारी कंपनी अमेज़न भी एक ना एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी ऑनलाइन सेलिंग में। तो स्टार्टिंग में ये जो कंपनी थी ये बुक्स सेल करती थी और इस कंपनी ने बहुत ही जल्दी अपना खुद का IPO निकाल दिया। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ इतना अच्छा सर्वाइव नहीं कर पाया और उस टाइम पर 2000 का जो क्राइसिस था उसमें बहुत कम कंपनीज ऐसी थी जिससे उसको सर्वाइव कर पाए और वहाँ से आगे बढ़ पाए। अमेज़न ने भी उसको किसी तरह झेला और वहाँ पे बिना रुके आगे बढ़ते गए। तो वैसे ऐसे ही अमेज़न ने धीरे धीरे करते करते बुक्स बेचने के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें बेचनी शुरू कर दी, जैसे कि हम लोग की जो बेसिक नीड्स होती है वो सब चीज़ें और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। तो अब देखते हैं वो 10 पॉइंट्स जिससे कि जेफ बेजोस इतने अमीर बन पाए। पॉइंट नंबर 1, कस्टमर इज द किंग एंड आई एम द सर्वेंट। इनका ये कहना है कि कस्टमर जो है वो राजा है और हम उसके नौकर हैं। यही सेम चीज आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में भी देखी हो। ये दो चीज पे बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं कि कस्टमर को क्या बहुत पसंद है और कस्टमर को क्या ना पसंद है। ज्यादातर लोग इस पर अटेंशन देते हैं कि कस्टमर को क्या बहुत पसंद है, लेकिन इसपे अटेंशन नहीं देते कि कस्टमर को कौन सी चीज नहीं पसंद है। इसी चीज का ध्यान दिया जेफ बेजोस ने कि कस्टमर को क्या पसंद है और कस्टमर को क्या ना पसंद है। कस्टमर्स को यूजुअली 3 चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नंबर 1, डिले। अगर कोई भी चीज उसने ऑर्डर की और वो देर से पहुंचे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लगा दे, तो ऑब्वियसली वो कस्टमर इस चीज को कैंसिल कर देगा, वो खरीदेगा ही नहीं। नंबर 2, डिफेक्ट। अगर उसने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो टूटा फूटा है, वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो वो उसको रिटर्न कर देगा। एंड नंबर 3, आउट ऑफ स्टॉक। अगर जो प्रोडक्ट है वो स्टॉक में है ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक
ज्यादा जल्दी लोड होती है। अगर उनकी साइट 0.1% लेट लोड होगी तो 1% कस्टमर चले जाएंगे, अगर 1% लेट लोड होगी तो 10% चले जाएंगे, और अगर 10% लेट लोड हुई तो उनके 100% यानी कि पूरे के पूरे कस्टमर वहाँ से चले जाएंगे, बैक कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये अपने एम्प्लॉयज से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उनको बहुत डांटते हैं, उनसे बहुत काम करवाते हैं और बाद में सॉरी भी नहीं कहते। इनका कहना है कि इनके ये जो 5 लाख एम्प्लॉयज हैं, ये इनके 16 करोड़ कस्टमर्स का ध्यान रखने के लिए है, तो अगर ये अच्छे से काम नहीं करेंगे तो इनकी जो कंपनी है अमेजोन वो भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। अब अमेजोन सेम डे डिलीवरी को लेकर अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, दिन में आप ऑर्डर करो शाम तक आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास की ग्रोसरी में कॉल करते हैं, वो लोग कहते हैं कि आज लड़का दुकान पर नहीं है, कल भेज दूँ तो चलेगा, लेकिन अमेजोन वाले ऐसा कभी नहीं कहते, आपको उसी के उसी दिन शाम तक प्रोडक्ट्स आके मिल जाते हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म विजन। जब इन्वेस्टर्स ने अमेजोन में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो वो जेफ बेजोस से पूछ रहे थे कि भाई प्रॉफिट कब आएगा, प्रॉफिट कब आएगा, प्रॉफिट कब आएगा। जेफ बेजोस ने बोला कि मुझे ये कंपनी 3 महीने के प्रॉफिट के हिसाब से नहीं चलानी है कि अभी के 3 महीने में क्या होने वाला, मुझे आगे के 3 साल का हिसाब अभी से ही करना है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कंपनी है, शॉर्ट टर्म की नहीं, और इस कंपनी को हमें बहुत बड़ा भी बनाना है, तो अगर शॉर्ट टर्म विजन से हम लोग इस पर काम करेंगे तो ये नहीं चलेगा, हमको ऐसा करना होगा कि आगे क्या होने वाला है, हमें क्या करना है वो पहले ही ध्यान देना होगा, प्रॉफिट तो बाद में आता रहेगा लेकिन हमको ध्यान देना है फ्यूचर पे इस कंपनी के। Our vision is to use this platform to build Earth's most customer centric company, a place where customer can come to find anything and everything they might want to buy online. इनका कहना है कि अगर कस्टमर किसी भी चीज को खरीदने आता है तो वो चीज इसको Amazon से जरूर मिलनी चाहिए, और इनको Amazon को दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन सेलिंग ऐप भी बनाना है। नंबर 4, कॉम्प्लीफाइंग द सिंपल एंड सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स। ये जो जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, ये सब जो लोग हैं, ये कॉम्प्लेक्स चीज को भी सिंपल सी लैंग्वेज में बता देते हैं कि अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ये तो कुछ नॉर्मल सी चीज कहने जा रहा है। अगर आपने स्टीव जॉब्स के भी वीडियोस देखेंगे तो आपको भी यही तो लगा होगा इसमें क्या खास है, तो नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि ये लोग कॉम्प्लेक्स चीज को भी सिंपल करके बता देते हैं। लेकिन आजकल के जो टेक गुरुज होते हैं वो सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि जो उनके कस्टमर्स होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं यूट्यूब पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बैक कर देते हैं। तो इन्होंने यही डिसाइड किया कि अब से हम कॉम्प्लेक्स चीज को भी सिंपल करके बताएंगे। नंबर 5, एवरी एम्प्लॉयर हैज ए हिडन ओनर इन हिमसेल्फ। सो जब स्टार्टिंग में जेफ बेजोस ने लेटर लिखा था एम्प्लॉयज को पाने के लिए, तब सिर्फ 614 एम्प्लॉयज थे, लेकिन आज अमेजोन में करीब 5 लाख एम्प्लॉयज हो चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि किसी को भी नौकरी करना अच्छा नहीं लगता है, वो पैसे के लिए भले ही किसी चीज़ की नौकरी कर रहे लेकिन किसी को भी ये करना पसंद नहीं होता है, इसी चीज़ का ध्यान दिया जेफ बेजोस ने। जेफ बेजोस ने उनको राजा की तरह बना दिया, जिससे कि वो अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ उस काम में ध्यान दें और कुछ ऐसा करें जिससे कि सभी कस्टमर्स का अटेंशन इनकी तरफ आ जाए। नंबर 6, टेकिंग क्विक डिसीजंस विद 70% इंफॉर्मेशन। जेफ बेजोस कहते हैं कि हम 70% इंफॉर्मेशन से डिसीजन ले लेंगे, हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के आने का वेट नहीं करने की, जब 90% 95% इन्फॉर्मेशन आएगी तब हम डिसीजन लेंगे। इनके पास अगर 70% भी इन्फॉर्मेशन है तो भी ये डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि अगर डिसीजन लेने में लेट कर दिया तो जो कंपटीशन है वो हमें ख़त्म कर देगा। अगर हम लोग बात करें अमेजोन प्राइम की, सो जब जेफ बेजोस ने इसको डिसाइड किया बनाने के लिए, उसके 111 डेज के अंदर ही बना के लॉन्च भी कर दिया। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे करके आगे जाके उसको इम्प्रूव करते गए और आज जाके ये परफेक्ट प्रोडक्ट बन चुका है। इनका कहना है कि फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर द लास्ट प्रोडक्ट। टायर की बात करें तो पहले किस तरीके के होते थे, आज किस तरीके के होते हैं, बिकॉज फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर द लास्ट प्रोडक्ट, वो हमेशा इम्प्रूव होता रहता है। नंबर 7, वैल्यू इमिटेशन वर्सेस वैल्यू इनोवेशन। इंडिया में ज्यादातर बिजनेसमैन या फिर मर्चेंट्स क्या करते हैं, वो ये चीज कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, सबका फायदा हो रहा है, मैं भी कर लेता हूँ, मेरा भी फायदा होगा। बिल्कुल गलत है।
ऐसा करने से आपको भले ही 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने या फिर साल भर का प्रॉफिट मिल जाए, बट ये जो चीज है ये ज्यादा देर तक नहीं। जब बेजोस ने ध्यान दिया वैल्यू इनोवेशन पे, उनको किसी ने ये कहा नहीं था कि उनको अमेज़न प्राइम चाहिए, उन्होंने खुद से ये डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि कस्टमर राजा है, हम उनके नौकर हैं। अब ऐसी क्या चीज है जो हम कर सकें जिससे राजा खुश हो जाए? ऐसी क्या चीज है जो हम करने पे ये जो कस्टमर्स हैं हमारे ये खुश हो जाए? ला दिया उन्होंने अमेज़न प्राइम और सबको ये बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया। अमेज़न प्राइम एक बहुत ही बड़ा रीजन है इनकी सक्सेस के पीछे का। अमेज़न प्राइम से क्या हुआ, इनका रिकरिंग रेवेन्यू बिल्ड हुआ, लॉयल कस्टमर्स मिले और कस्टमर का रिटेंशन भी इनको मिल गया और काफी सारे फीचर्स जो है वो कस्टमर्स को देखने को भी मिल जा रहे हैं अमेज़न के अंदर। नंबर 1, फ्री 1 डे शिपिंग, फ्री सेम डे डिलीवरी जो कि कुछ एरियाज में है, एक्सक्लूसिव डील्स, अर्ली एक्सेस टू डील्स, वीडियो स्ट्रीमिंग और काफी सारे सॉन्ग्स जो कि अमेज़न प्राइम पे आपको देखने को मिल जाते हैं। नंबर 8, डोंट लेट द प्रोसेस किल द प्रोग्रेस। आपने काफी सारी कंपनीज में देखा होगा इतनी ज्यादा प्रोसेस होती है कि जो प्रोग्रेस होती है वही खत्म हो जाती है। बट जेफ बेजोस क्या करते हैं, वो नए आइडियाज पे काम करते हैं, न्यू टेस्ट, न्यू इनोवेशंस, न्यू मेथड, अल्टरनेट मेथड्स, क्रिएटिविटी, न्यू सॉल्यूशंस और इन चीजों से जो प्रोसेस है वो तो चलता रहता है लेकिन प्रोग्रेस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 9, 80% प्रोडक्ट एंड 20% प्रमोशन। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बेकार है लेकिन आप अच्छी प्रमोशन करते हो तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा कैसे चलेगा? तो गाइस आपको प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कोई उसको लेगा और उसको पसंद आएगा तो अपने साथ 4 लोग को और ले आएगा कि यहाँ पे आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ से खरीदो। अगर आपका प्रमोशन अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट कमजोर है तो प्रमोशन के कारण, अच्छे प्रमोशन के कारण कस्टमर एक बार तो आपके पास आ जाएगा लेकिन दोबारा वापस नहीं आने वाला वो, और ना ही किसी और को लेके आएगा। नंबर 10, मास्टर ऑफ फेलियर। ऐसा कहा जाता है कि जो जेफ बेजोस है उन्होंने फेल होने में मास्टरी कर ली। वो भले ही फेल हो जाए लेकिन बाद में दोबारा ट्राई करते हैं। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओ और उसको बना के रुक जाओ, सो जाओ, तो ये काम नहीं करने वाला, ये खतरनाक है। लेकिन अगर आप खराब प्रोडक्ट बनाओ और उसको बनाने के बाद आराम कर लो, रुक जाओ, तो ये और ज्यादा खतरनाक है। मैंने जैसे आपको बताया कि जेफ बेजोस 70% इन्फॉर्मेशन से ही शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते जाते हैं। इनका कहना है कि पहले स्टार्ट तो करो, इम्प्रूवमेंट उसमें धीरे धीरे आती जाएगी। सो गाइस ये थे 10 पॉइंट्स जो कि जेफ बेजोस ने अपने लाइफ में यूज किए और एक छोटे से गैराज से लेके आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बिकॉज जब भी मुझे किसी भी लाइक की, सब्सक्राइब की नोटिफिकेशन मिलती है, मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही काफी सारे अमेजिंग वीडियोज बनाता रहूँ और अपलोड करता रहूँ। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। Goodbye, stay home, stay safe.